मालदा टाउन जा रही गाड़ी संख्या 14004 बोगी संख्या S3 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बोगी टॉयलेट में बम होने की सूचना मिली, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया और दहशत का माहौल बन गया। ट्रेन को बच्छावा रेलवे स्टेशन पर रोककर उसकी संगन चेकिंग की गई। आज सुबह लगभग 5:30 बजे की घटना है। करीबन 2 घंटे तक ट्रेन को रोककर उसकी तलाशी ली गई। लखनऊ से स्क्वाड टीम व रायबरेली GRP RPF साथ 4 थानों को पुलिस मौके पर पहुंचकर ट्रेन की संगन तलाशी ली गई। उसके बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। जानकारी के अनुसार न्यू दिल्ली से मालदा जाने वाली ट्रेन का सुबह 2:25 लखनऊ पहुंचने का समय है, लेकिन आज यह ट्रेन लगभग 2 से 3 घंटे लेट चल रही थी। ट्रेन जैसे ही रायबरेली जनपद के बछरावा स्टेशन पर पहुंची, सभी यात्रियों में बम की अफवाह से हड़कंप मच गया और आनन फानन में बछरावा स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया, जबकि यहां पर उसका स्टॉपेज था ही नहीं। स्टेशन पर ही ट्रेन की सघन चेकिंग के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि एक टिफिन में कुछ तार निकले हुए थे, जिसको देखकर बम की अफवाह तेजी से फैल गई। मौके पर क्षेत्र अधिकारी महाराजगंज विनीत सिंह, थाना अध्यक्ष बछरा व रविंद्र सिंह व GRP पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं लखनऊ से बम निरोधक दस्ता व डॉग स्क्वाड दस्त बुलाया गया। बम निरोधक दस्ते की जांच में निकली खाली टिफिन, सुरक्षा एजेंसियों ने ली राहत की सांस। ट्रेन की क्या निकल के आया जांच में? 14004 की ट्रेन मालदा टाउन जो दिल्ली से मालदा टाउन जा रही थी, जब लखनऊ क्रॉस की तो दिलकुशा के पास किसी यात्री ने मीटिंग से शिकायत की थी। SG बोगी में लेटरिन के पास एक डिब्बा मिला जिसमें वायर निकल रहा है। TT ने तत्काल कंट्रोल को सूचना दी। एहतियातन ट्रेन जब बछरावा पहुंची तो हमारे RPF के एक जवान ने और पुलिस के साथियों ने डिब्बे को ट्रेन से उतारा। उसके बाद आगे ट्रेन रवाना कर दी गई। बम डिस्पोजल टीम आई जिसके बाद उन्होंने सूट पहन के डिस्पोज किया, लेकिन जब देखा गया टिफिन को खोल के तो अफवाह थी, उसमें कुछ था नहीं, सिर्फ वायर निकलने के कारण ये सारी अफवाहें फैली।